राप्ती नगर डिपो में रखे बेकार टायरों में डेंगू के लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने रोडवेज के राप्ती नगर डिपो को नोटिस दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन बेकार टायरों को शिफ्ट नहीं किया गया तो जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं नगर निगम की ओर से डिपो में सफाई कराने के साथ कीटनाशक का छिड़काव कराया गया। आपको बता दें कि शहर में डेंगू के पैर पसारने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से जगह जगह जांच की जा रही है। इसी क्रम में राप्ती नगर बस डिपो की जांच में वहां रखे टायरों में इकट्ठा पानी में काफी संख्या में डेंगू के लार्वा मिले थे। इसी क्रम में रविवार को CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बस डिपो पहुंचे और नोटिस दिया गया। साथ ही वहाँ सफाई कराने के साथ छिड़काव भी किया गया। जांच के दौरान रविवार को भी टायरों में पानी भरा मिला। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने राप्ती नगर बस डिपो के ARM को चेतावनी दी, साथ ही कहा कि 3 दिन के अंदर पानी भरे पुराने टायरों को हटा दें, अन्यथा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, डेंगू के केसेस हमारे यहाँ भी निकले हैं। हमने वैसे प्रिकॉशनरी संभावित डेंगू केस करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए थे उनके 215 सैंपल्स मंगवाए हैं प्राइवेट से भी, और हमारे यहाँ के जो थे इनकी टेस्टिंग कराई गई तो उसमें हमारे कुल 19 पॉजिटिव आए हैं डेंगू के, और जिसमें से कि पॉजिटिव 9 केस हमारे जिला अस्पताल में ट्रीट हुए जिनको हम ठीक करके वापस घर भेज दिए हैं, और एक उसमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती था वो भी ठीक होकर लौट आया है, और बाकी कुछ नर्सिंग होम्स में और कुछ BRD में इलाज लिए हैं, वो सारे के सारे ठीक हो गए हैं। किसी भी प्रकार की डेंगू से कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है गोरखपुर में, और सारी निरोधात्मक कार्रवाई और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मैं स्वयं भी बहुत सारे स्थानों पर भ्रमण कर रहा हूँ, हमारी टीमें भी लगी हैं, नगर निगम को भी हम लोगों ने बैठ के बैठक करी है, सचेत किया है, नगर निगम की टीमें भी साफ सफाई और हमारे सोर्स रिएक्शन में हमारा सहयोग कर रहे हैं। फिर भी कुछ जगहों पे, जैसे मैं कल राप्ती नगर बस स्टॉप पे गया था, उनका जो स्टॉक जहाँ रखते हैं वहाँ पे मुझे सैकड़ों की संख्या में 200 300 400 की संख्या में टायर मिले थे जिनको उन्हें ऑक्शन करना है। उन्होंने ऑक्शन नहीं किया है, उसमें अगर पानी जम जाता है तो लार्वा मिलते हैं। टेस्ट करने पे पाया भी गया है कि डेंगू लार्वे उनके यहाँ पनपे हैं, तो मैं उन्हें सचेत करके एक नोटिस भी दे के आया हूँ, और अगर 3 दिन के अंदर उनके टायर का ऑक्शन नहीं होता या उसको कवर नहीं करते या उसको सुरक्षित ढंग से नहीं रखते सुखा के, तो हम उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना करने जा रहे हैं। इस तरह से जो छोटी छोटी जगहों पे भी, जैसे हमारे कबाड़ वाले हैं टूटी बाल्टियाँ मग्गे सब खरीद के और रख के रहते हैं, उनमें पानी रुक जाता है और उसमें लार्वा पनपते हैं, मैं उन्हें भी छोटा ही फाइन सही 4,000 का 3,000 का 2,000 का हम उनको भी फाइन करेंगे, और टीमें पूरा काम कर रही हैं। तो स्थिति हमारे गोरखपुर में जिले में नियंत्रण में है, किसी भी प्रकार के केसेस बढ़ने की संभावना नहीं लगती है।